लंबा गहरा श्वास ताकत के साथ लेना और छोड़ना। अब इसको हम कैसे कैसे करें? सर्दी का मौसम है या कम उम्र के हैं या जिनका बीपी लो रहता है वो इसको गति के साथ कर सकते हैं। हाथों के इशारे के साथ भी कर सकते हैं ऐसा। तो ऐसा करने में क्या आसानी हो जाती है। तो जैसा हमें शरीर को सूटेबल हो, जैसा हम आसानी से कर सकें ऐसा हम कर सकते हैं। गर्मियों का मौसम है या जिनको बीपी हाई रहता है, बड़ी उम्र के हैं, तो उसको धीरे धीरे करें ऐसे। ये हमारा बस्ती का प्राणायाम हो गया। तो इसकी कोई विशेष गति या विशेष इसका कोई स्टेप नहीं है। व्यवस्था मौसम के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, हमारे शरीर के हिसाब से, हमारी बीमारी के हिसाब से इसकी गति हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारा बस्ती का प्राणायाम हो गया। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। झटके से श्वास छोड़ना, पेट अंदर जाएगा, झटके से श्वास बाहर। इस प्रकार जैसे हम कोई दिया या मोमबत्ती नाक से झटके से बुझाएं तो पेट अंदर जाएगा और श्वास झटके से बाहर आएगा। कपालभाति करने से बहुत रोग ठीक होते हैं। कपालभाति से हमारे शरीर के अनेकों रोग ठीक होते हैं। जिनका बीपी लो रहता है वो इसको करें, बीपी नॉर्मल आ जाएगा।